हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने मोबाइल में ब्लॉग बना सकते हैं। सो गाइज, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग इन योर मोबाइल। ब्लॉग एक तरह का वेबसाइट होता है गाइज, जो गूगल द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इस वेबसाइट में आप कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिटेन कंटेंट, अपना फोटोज़, अपना किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर अपडेट, शेयर, पोस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं गाइज। पैसा अर्न करने का कुछ रूल्स है गाइज, कि जितने अधिक आपके वेबसाइट पर आपके कंटेंट को पढ़ने के लिए विजिटर्स आएंगे, व्यूवर्स आएंगे, ट्रैफिक आएगा, उस हिसाब से गूगल आपके वेबसाइट पे ऐड करता है, उसी ऐड का पैसा आपको मिलता है गाइज। उसके पहले आपको गूगल एडसेंस से अपना वेबसाइट पेज कनेक्ट करना होता है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा गाइज, कैसे आप कनेक्ट करते हैं गूगल एडसेंस से। चलिए पहले हम सीखते हैं कि ब्लॉग बनता कैसे है गाइज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करना है। तो आइए हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, सॉरी, मैंने क्रोम ओपन कर लिया। मुझे यहाँ पे टाइप करना है, क्या टाइप करना है, google.com। देखिए यहाँ ऊपर शो ओके आ गया है google.com। जैसे ही google.com ओपन होके आ जाता है गाइज, आपको यहाँ पे मिलता है कुछ ऐसा इंटरफेस। यदि आपको इस टाइप का इंटरफेस नहीं मिलता है तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ आप कर लेंगे डेस्कटॉप साइट। ये मेरा पहले से टिक है बाई डिफ़ॉल्ट। तो यदि आप में नहीं होता है तो आप 3 डॉट पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप साइट पे चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए गाइज। आइए अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास आपका फ़ोन में ईमेल आईडी होना चाहिए। जनरली सबके फ़ोन में ईमेल आईडी होता है, बिना ईमेल आईडी का आपका फ़ोन कन्फिगर नहीं होता है गाइज। बट किसी किसी के फ़ोन में 2 या 3 होते हैं ईमेल आईडी। तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए किस ईमेल आईडी से मुझे ब्लॉग क्रिएट करना है, क्योंकि ब्लॉग एक वेबसाइट है जो बिल्कुल फ्री है गाइज। कोई पैसा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डोमेन और सर्वर सब कुछ आपको देता है गूगल। तो यहाँ पे आपको पहले अपना ईमेल आईडी चूज कर लेना होता है। आइए हम चूज़ कर लेते हैं। तो मुझे क्रिएट करना है इस वाले आईडी से। यदि आपका आईडी उसी से क्रिएट करना है तो आप चेंज नहीं करना है। यदि आपको चेंज करना है तो कुल मिला के क्या है, आपको वही ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है जिस ईमेल आईडी से आपको ब्लॉग क्रिएट करना है गाइज। तो आइए चलते हैं आगे। अब ये करने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आना है यहाँ पे। देखिए 9 डॉट पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इस वाले पे आपको क्लिक करना है ऑप्शन पे। चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे। देखिए ये है आपका ब्लॉगर, मैं आपको दिखा दूँ। तो 3 चीज़ होता है गाइज, एक होता है ब्लॉग, ब्लॉगर और ब्लॉगिंग। ब्लॉग का मतलब एक वेबसाइट जहाँ पे हम कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं। और ब्लॉगर का क्या मतलब हुआ, ब्लॉगर का मतलब हम लोग, यूज़र, उस ब्लॉग को यूज़ करने वाला। और ब्लॉगिंग का क्या मतलब हुआ गाइज, ब्लॉगिंग का मतलब होता है एक्टिविटी, वे ऑफ यूजिंग वेबसाइट, इट मीन्स ब्लॉग। किस तरीके से, किस वे से आप उस ब्लॉग को आप यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स एक्टिविटी। तो चलिए हम आपको क्या करना है, इस ब्लॉगर पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, ब्लॉगर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, जहाँ पे आपको शो करेगा, देखिए क्रिएट योर ब्लॉग। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर ब्लॉग। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। क्लिक करने के बाद कुछ एक नया ओपन होके पेज आएगा आपके सामने। उस पर क्या करना है, देखिए ये फिर से पूछ रहा है कि किस ईमेल आईडी से आप क्रिएट करना चाहते हैं। एक ऑप्शन वहाँ पे से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको ऑप्शन देता है। चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको क्लिक कर देना उस ईमेल आईडी पे जिससे आपको क्रिएट करना है अपना ब्लॉग। देखिए यहाँ पे सिंपली आ चुका है। देखिए यहाँ पे देखिए चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, कि आप अपने ब्लॉग को किस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं गाइज। तो आइए मैं यहाँ पे दे देता हूँ विधु मिश्रा। आप किसी भी नाम से गाइज बना सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे नेम टाइप करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया है चूज़ अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। यूआरएल क्या होता है गाइज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे किसी कंपनी का वेबसाइट होता है, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का होता है वेबसाइट, जैसे आपका bhu.ac.in है। तो इसमें यूआरएल क्या हुआ, उसका नाम bhu.ac.in। जैसे मान लीजिए आपने ब्लॉग क्रिएट कर दिया और कोई पूछेगा कि अपने ब्लॉग का दीजिए यूआरएल, आपको यहाँ पर एक यूआरएल देना होता है जो होता है यूनिक, और किसी का नहीं हो सकता, वो होता है यूनिक ही। तो यहाँ पे वो नाम ही आपको यहाँ पे चूज़ कर देना है। तो आप, मैं यहाँ पे अपने नाम से क्रिएट कर रहा हूँ विधु मिश्रा, इसमें कोई भी स्पेस नहीं देना है।
विधु मिश्रा। अब करते हैं देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो आपको जो जिस नाम से ब्लॉग पहले का बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, वो नाम आपको नहीं मिलेगा। तो इसके आगे आपको कोई भी लेटर हुआ, कोई भी न्यूमेरिक हुआ, आपको देना पड़ता है। चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ 85, देखते हैं दिस ब्लॉग इज़ अवेलेबल। चलिए अब हो चुका है अवेलेबल। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नेम URL तो अलग चीज़ हो गया, अब यहाँ पे क्या देना है डिस्प्ले नेम, ऐसा यहाँ पे ऐसा नेम जो आपके ब्लॉग पे फ्रंट पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना ही नाम विधु मिश्रा, मैं पूरा डालूँ कैपिटल लेटर में। अब मैं करता हूँ फिनिश, चलिए हम फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। ब्लॉग काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गाइस, और इसमें आप कोई भी चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। आपको एक वेबसाइट की तरह मिलता है URL जो एकदम फ्री होता है गूगल की तरफ से, तो आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ नोटिस दिया हुआ है, इस नोटिस को आप रीड कर सकते हैं, रीड नहीं करना है तो आप यहाँ से जो लिखा है यहाँ पे कट का सिंबल दिया है देख सकते हैं आप इस पर क्लिक करके, सॉरी जो कट का सिंबल दिया है आप यहाँ पे इसको टैप करके इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपके पास टाइम होगा तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। देखिए अभी दिखा रहा है नो पोस्ट, आप देख सकते हैं। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, नीचे प्लस का सिंबल बनाए आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए नीचे प्लस का सिंबल बनाए आपको इस पर क्लिक करना है प्लस वाले सिंबल पे, और प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करने के बाद देखिए जब आप प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, जहाँ पे आपके सामने मैं दिखा दूँ, देखिए ये पूरा का पूरा दिया है टूल्स दिया है। आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, HTML डॉक्यूमेंट जो कोडिंग होता है वो भी आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी आप टाइप कर रहे हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक MS वर्ड। कुछ भी आप टाइप करेंगे तो फॉन्ट को इफेक्ट देना, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, कलर देना, कुछ भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है लिंक, आप यहाँ पे लिंक भी अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए मुझे करना है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई इमेज करना है पोस्ट, तो मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके देखिए दिया है फोटोज़ ब्लॉगर बाय URL, तो मुझे करना है फ़ोटोज़, या फिर मैं करता हूँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, मतलब आपके फ़ोन में आपके कंप्यूटर में जो आपका फ़ोटोज़ होगा वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ दिया है चूज़ फाइल, आइए हम चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं, जाते हैं फाइल्स पर, और फाइल्स पर जाने के बाद यहाँ से आप वो इमेज चूज़ करेंगे जो आपको अपने ब्लॉग पर ब्लॉग के वेबसाइट पे अपलोड करना है, पोस्ट करना है। आइए हम कर देते हैं यही वाला जो यहाँ पे नीचे है, जैसे मान लो इसी इमेज को करना है मुझे, तो बस उस पर आप क्लिक कर दीजिए, अपलोडिंग चालू हो जाएगा। देखिए नीचे शो कर रहा है अपलोडिंग 1 of 1, अभी ये शो होगा अभी कि आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा, नेटवर्क थोड़ा स्लो है गाइस। देखिए आप ऊपर दिया है यू में अपलोड मल्टीपल फाइल्स एट वंस, यूज़ JPG, GIF, RPNG, किसी भी टाइप का फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए हो चुका है अपलोड। तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको करना है सेलेक्ट पे क्लिक, देखिए यहाँ दिया है सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है सेलेक्ट पे, आप देखिए सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा शो हो के आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको पब्लिश, ऊपर दिया है पब्लिश आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पब्लिश करने से पहले आप यहाँ पे कोई भी आप टाइटल आप दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो करके लेबल आप दे सकते हैं, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। एक बार आप यूज़ करेंगे क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ जाएगा गाइस। तो जैसे आप फेसबुक पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं ना, शेयर करते हैं, वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हैं, एकदम ईजी है, थोड़ा सा उससे थोड़ा एडवांस है। एडवांस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैन्युअली है, आपको आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपके एक वेबसाइट करते हैं परचेज डोमेन और सर्वर करते हैं परचेज, उस हिसाब से आप यहाँ भी कोई यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए अब हम क्लिक करते हैं पब्लिश पे, देखिए पब्लिश नाम का ऑप्शन है, पब्लिश पे हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है आपका, सॉरी देखिए पब्लिश पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, करना है कन्फर्म, देखिए यहाँ पे दिया है कन्फर्म नाम का ऑप्शन, चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं कन्फर्म पे। देख कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद वो पोस्ट आपका यहाँ पे शो होने लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 9 अगस्त बता रहा है अनटाइटल्ड, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई टाइटल नहीं दिया था, आप यहाँ पे टाइटल आप दे सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे शेयर करते हैं FB पे, इंस्टा पे, आप सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं।
जनरली इसमें आपका जो यदि आप कोई कंटेंट आप राइटर हैं तो अपने कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं, नोट्स आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी गाइज आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं यहाँ पे थ्री लाइन पे, कुछ आपको सेटिंग में मैं बता देता हूँ। देखिए आपको क्लिक करना है थ्री डॉट्स पे, सॉरी लाइन पे। देखिए यहाँ पे आप न्यू पोस्ट, पोस्ट स्टेट कमेंट्स अर्निंग, देखिए अर्निंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, देखिए अर्निंग दिया है। अर्निंग का रूल्स वही है, आप अपना फॉलोअर्स बढ़ाइए, विजिटर्स बढ़ाइए, ट्रैफिक बढ़ाइए, तो ऑटोमेटिक जब क्राइटेरिया हो जाएगा कंप्लीट तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट खोलिए, उसे अटैच करिए, देन गूगल क्या करेगा आपके ब्लॉग पे, आपके इस वेबसाइट पे ऐड डालना शुरू कर देगा और उसी ऐड का कुछ परसेंटेज आपको मिलता है गाइज, जस्ट लाइक यूट्यूब की तरह। तो आप बस इसको यूज़ करिए, कि इससे थीम है, सेटिंग है, पेजेस है, सब कुछ आप यहाँ से हर एक ऑप्शन आप क्लिक करिए, यूज़ करिए, आप समझदार हैं, सब कुछ आप ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं गाइज। आप यहाँ पे सेटिंग पे जाके इसके प्रोफाइल में आप फ़ोटो लगा सकते हैं, कि कोई भी ब्लॉग आपका ओपन करेगा तो आपका प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख सकता है गाइज। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली हो। आप इसका एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं गाइज, आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ पे आप टाइप करेंगे ब्लॉगर तो आपको ब्लॉगर नाम का एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, बार बार ब्राउज़र ओपन करके आपको वहाँ पे विजिट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उस प्ले स्टोर के मतलब एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट ओपन करके कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं गाइज। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली हो तो आप इसको यूज़ करिए, ब्लॉग क्रिएट करिए। यदि कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गाइज, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ भी क्वेश्चंस पूछ